double fun, because the DOP and the director, the lyrics, the composer, all have done fantastic work, and these two are great finds and great talent, and I wish them the very best. शूट किया हुआ था, बट आई डोंट नो कोइंसिडेंटली वो कल रिलीज हो रहा है,
सो वो थोड़ा इमोशनल था और ये एकदम पार्टी वाला सॉन्ग था, तो मेरे लिए ये कुछ हटके एक्सपीरियंस था. सॉरी, इन्जॉय मैंने दोनों किया, क्योंकि मैं ये बोल नहीं सकती कि कौन सा बेटर है या क्या है. दोनों बहुत ही अलग टाइप के म्यूजिक वीडियोज़ है. जो वो है वो बहुत इमोशनल है, सैड है, और ये एकदम पार्टी है, तो दोनों बहुत अच्छे. मैं भाई के साथ, क्योंकि इस गाने में सबसे डिफरेंट मेरे लिए टास्क ये था कि कुछ नया लाना है, और मैंग भाई के साथ और राजभा के साथ हम लोगों ने और सोचा कि मैं बीट बॉक्सर हूँ, तो बीट बॉक्सर के साथ मैं रैप भी करता हूँ. तो फर्स्ट टाइम एल्बम में एक ही बंदा बीट बॉक्स भी कर रहा है और एक ही बंदा रैप कर रहा है, तो उसमें सम काइंड ऑफ नए एलिमेंट्स हैं रैप के और इलेक्ट्रॉनिक साउंड्स के साथ बीट बॉक्सिंग हम लोगों ने ऐड कर दी. तो हमने पैपी नंबर को एक बीट बॉक्सिंग नंबर से अलग ही हटके सोचा कि मैंग भाई के साथ काम. जब हम सोच रहे थे इस गाने को, तो उस टाइम एक ही थॉट था कि हटके करना, कुछ अलग करना. तो वही सबसे बेस्ट पार्ट था कि मैंग भाई ने बोला गौरव यार बीट बॉक्स को कुछ अलग ही तरीके से दिखा, तो इस गाने में रैप के साथ बीट बॉक्स. फर्स्ट टाइम इन इंडिया में कमर्शियली बीट बॉक्स हर में यूज किया, म्यूजिक नहीं आज तक हुआ नहीं ऐसा ही किसी म्यूजिक वीडियो में बीट बॉक्स यूज करा गया और रैप के साथ साथ. सो कैन वी टेक अ हियर फॉर यू डेमो बीट बॉक्स का. टैप 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 एवरीबॉडी गो काफ़ी मॉडर्न, जो हम लोगों ने बीट बॉक्स के साथ रैप भी जोड़ा है. तो सवाल